जो रिवर फ्रंट जैसा है तो उसको डेवलप करने के लिए हम लोग वर्तमान में कार्यवाही कर रहे हैं। अब जब मुर्गिया नाला तो भैया रिवर फ्रंट जैसा बनेगा, का बात है भैया उसका डेवलप किया जाए, लाइटिंग व्यवस्था कीजिए, बढ़िया बढ़िया जगह जगह वृक्षारोपण भी किया जाए, का बात है भैया जमुरिया नदी को बकरा सवारा जाएगा, जमुरिया को जमुरिया बनाया जाएगा। बाराबंकी के डीएम सत्येंद्र कुमार जी बहुत ही बेहतरीन जानकारी दिए तरह हम कल तो आपका सुना देगी, सुन लो भैया। देखिए जनपद बाराबंकी के हेडक्वार्टर पे जो नवाबगंज नगर पालिका है वहाँ पिछले वर्ष 2023 में अर्बन फ्लडिंग की मेजर घटना हुई थी, तो उसको देखते हुए इस बारी जो जमहूरिया नाला है उसके पूरे चौड़ीकरण का कार्य किया गया है और 25 मीटर की चौड़ाई में उसको जो उसका मूल स्वरूप है वो प्रदान कर दिया गया है। और जो पूरा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है शहर का, जो बाढ़ का पानी हो या बरसात का पानी, उसको निकलने के लिए समुचित व्यवस्था कराई गई है। अब उसके जो हमारा नदी का जो रिवर फ्रंट जैसा है तो उसको डेवलप करने के लिए हम लोग वर्तमान में कार्यवाही कर रहे हैं। अभी वृक्षारोपण के अभियान के दौरान उसमें वृक्षारोपण भी किया गया है, ट्री गार्ड्स भी लगाए गए हैं और वहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास स्पेसेस हैं वहाँ पे हम लोग वॉकिंग ट्रैक लगाएंगे और जहाँ जहाँ संभव हो पाएगा लाइटों की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि लोगों के आने जाने के लिए भी वहाँ से व्यवस्था हो पाए। तो उस जमहूरिया नाला जो कि शहर के एकदम बीचों बीच निकलता है उसके रिवर फ्रंट को डेवलप करने के लिए व्यवस्था कराई जाएगी। अब डीएम सत्येंद्र कुमार जी की बात सुनिए आपने भैया, जमुरिया नदी को अब सवारने का काम किया जाएगा, बढ़िया लाइटिंग लगाई जाएगी, वृक्षारोपण किया जाएगा, बाकी आपकी कार रिकमेंड करो। दूसरा खबर देख लो भैया। अब हेलो डॉक्टर साहब बोल रहे हो ना? हाँ हाँ जी बताइए। अरे देखो बताना उताना छोड़ो, मुंबई थाने में तुम्हारे खिलाफ भैया दर्ज हो गई, लोग कुछ लोग बात करेंगे तुमसे। अब देखो ऐसा तुम्हारे आधार कार्ड से मनी लॉन्ड्री हो गई है, ये देखो हम फोटो भेज रहे तुमको व्हाट्सएप पर, ये देखो। अरे डॉक्टर साहब बेचारे कुछ समझ पाते जान में फंस जाती हैं और पैसा दे देती हैं, 61 लाख रुपये की ठगी हो गई। अब आपके लगे अगर कोई ऐसे फोन करे तो एक सावधान हो जाना। हम कह रहे तो आपको बता दें कि मामला बाराबंकी जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पर जाती है सुभाष नगर, जहाँ के रहने वाले डॉक्टर योगेश कुमार जी लगे 17 अप्रैल 2024 को कौन रोहित शर्मा नाम का व्यक्ति फोन करती है और कहा कि देखो मैं भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण से बोल रहा हूँ, तुम्हारे खिलाफ मुंबई थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। इसके बाद होना का था वह बकायदा कुछ अन्य लोगों से बात करावे लगती है, तो कोनो बकायदा मुंबई पुलिस वाला बन करके बात करती है, तो कोनो बकायदा यूटीआई विभाग वाला बन करके बात करती है और कहा था कि डॉक्टर साहब ऐसा तुम्हारे आधार कार्ड से मनी लॉन्ड्री भाई है और केनरा बैंक के कोनो बकायदा अकाउंट का फर्जी एस्टिमेट भेजना शुरू कर देती है और क्या कहती हैं एटीएम कार्ड की फोटो खींच करके भेजना शुरू कर देती है। अब डॉक्टर साहब बेचारे को समझ पाते, पीड़ित बेचारे का बताइए भयभीत हो जाती हैं और जहां से मैं फंस जाती हैं और 3 दिन के अंदर अपने खाते से 61 लाख रुपए साइबर ठगों के खातों में ट्रांसफ़र कर देती हैं। फिर इसके बाद जब डॉक्टर साहब समझाते हैं कि यार ऐसा तो कुछ हो पाए नहीं क्या हमारे आधार कार्ड से, तो जाती हैं साइबर थाने में पूरी बात बतावती हैं, जिसके बाद देखा थी बाराबंकी की साइबर थाने की पुलिस टीम एक्शन में आती है और 31 जुलाई को सफदरगंज थाना क्षेत्र के रसौली गाँव के रहने वाले अजीत कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। अब अजीत लगे 50,000 रुपये बरामद किया हुआ है, बताओ भैया ऐसे ऐसे लोग हैं। अब अजीत तो केवल मोहरा है, इसको बकायदा कुछ परसेंट का लालच दिया है, अभी बकायदा भैया तलाश की जा रही है, जो बकायदा मुख्य आरोपी उन्होंने पकड़ा गई है। वैसे बाराबंकी की साइबर सेल की पुलिस टीम बहुत एक्शन में दिखाई दे रही है, जांच पड़ताल चल रही है। इस दौरान आपका बता दें कि जो प्रभारी निरीक्षक है विजय सिंह जी भी रहा है, तुम देख सकते हो बकायदा अतिरिक्त निरीक्षक विनय प्रकाश राय जी भी रहा है और साथ ही साथ प्रकाश यादव जी भी रहा है, चंद्र प्रकाश यादव जी भी रहा है। इधर देखो भैया मुख्य आरक्षी नीरज रहा है और क्या कहते हैं सुधाकर रहा है, राजन यादव रहा है और अभिषेक रहा है, पंकज रहा है, तमाम लोग उपस्थित रहे हैं। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब पीर बटावन के खाजी और बंकी के एक तैयब है, दोनों का गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हम कह रहे तो आपका बता दी कि देखो भैया ऐसा है, बाराबंकी शहर के नगर के जो नगर पालिका है उसे चंद कदम की दूरी पर लेडी बंगला जमीन पड़ जाती है। इसका गलत तरीके से भैया तथ्यों के आधार पर हड़पने की कोशिश और खरीद फरोख के मामले में पुलिस अब धीरे धीरे शिकंजा कस रही है। बुधवार को पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बतावा जाता है कि देखो भैया यह मामले में 14 लोगों के विरुद्ध 6 अप्रैल को नगर पालिका परिषद के जो वरिष्ठ लिपि हैं कुलदीप मुकदमा दर्ज करवाई है जमीन के मामले में और अब देखा तो उच्च न्यायालय से भी अभियुक्तों का राहत नहीं मिली, जिसके बाद देखा थी पुलिस बकायदा छापेमारी करती है तो बंकी से बकायदा मोहम्मद तैयब गिरफ्तार किए जाते हैं और पीर बटावन के हाजी दोनों का गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बाकी जो उन फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। बाकी आपकी कार रिकमेंड करो। दूसरा खबर देख लो। अब जमुरिया में पानी भरा चाहे ना भरे भैया, मोहल्लन में जरूर पानी भर जाती है। हम कह रहे तरीका आपका दिखा दी कि देखो भैया ऐसा है, यह मामला बाराबंकी जिले के आवास विकास का है, सेंटर अकेडमी स्कूल के जस्ट पीछे का मामला है। वहाँ पर देखा था भैया स्थानीय लोग बतावते हैं कि सड़क भैया गई है सड़ और तुम देख सकती हो कत्ता पानी भरा पड़ा है। जमुरिया में पानी भरे चाहे ना भरे, यह मोहल्ले में जरूर पानी भर जाती है क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत सड़ी हुई है, बहुत खराब है। अब स्थानीय लोग मिल करके वर्मा जी मिश्रा जी सब जिन्हें बकदा नगर पालिका के ईओ साहब लगे जाती हैं और देखा तो लिखित में शिकायत करीन है, ईओ साहब आश्वासन दीन है। हम कर लो तो नहीं आपका बता दी, बाकी आपकी कार रिकमेंड करो। दूसरा खबर देख लो।
अब जाऊं जीने पर भक्त आएगा कि भैया मंदिर में जाए खातिर अपने कदम रखेंगे, अपने चरण को रखेंगे। वहीं पर बकता देखा थी नाम लिखा पड़ा है, कहा बात हम कर लो तो नहीं आपका दिखा दी कि जो कोई मंदिर बनावती है वो सब जिन्हें नाम तो भैया बहुत ऊंचा ऊंचा जगह लिखवाती है, लेकिन ये तो बकता जहाँ भक्तन के चरण नहीं होती है, जहाँ भक्त और पैर रखती है वह नाम लिखवा दी ने, तुम देखे सकती हो, नामों पढ़ सकती हो। हम कर लो तो नहीं आपका दिखा दी कि बाराबंकी जिले के धनुकर चक्रतीर्थ पर जो राधा कृष्ण जी का मंदिर बना रहा है वह बकदा प्रेम मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, बहुत ही आकर्षित मंदिर बना है, बाकी भगवान जी का इंतजार हो रहा है, 15 अगस्त का भगवान जी हैं। हम कल तक आपका बता दी, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शाम मैसेज को इस ऊपर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।